अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो है सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, मतलब दुनिया के सात अजूबे। आज इस वीडियो में आप ऐसी चीज़ें देखेंगे जो पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं, चाहे वो आज एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन अपने टाइम के वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई विल स्टार्ट माई वीडियो। द फर्स्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड इन दिस वीडियो इज़ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, अपने नाम से जाहिर हो रहा है कि ये चाइना में है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 7वीं सदी ईस्वी में बनाई गई ताकि चाइना की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट किया जाए, और जो ये वॉल जो है ये मिल के बनी है ब्रिक्स, रेमेड अर्थ, वुड, स्टोन्स और डिफरेंट सब्सटेंसेस की वजह से। और दीवारें चीन की लंबाई 21,196 किलोमीटर है। एंड द नेक्स्ट इज क्रिस्ट द रेडीमर। ये ब्राज़ील में है, रियो दी जेनेरियो में। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है 1922 से लेकर 1931 के दरमियान में हुई, और ये बुत जो एक सिंबल ना ही एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का सिंबल है बल्कि ये ब्राज़ील का एक आइकॉनिक सिंबल लैंडमार्क भी है, और इसकी लंबाई जो है 700 मीटर है। एंड द नेक्स्ट इज ताजमहल। ताजमहल इंडिया के शहर आगरा में मौजूद है। 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनाया था। ये 16वीं सदी ईस्वी में बना था, और ये ताजमहल जो है प्योर वाइट इवोरी मार्बल से मिलके बना है, और जब ये सूरज की रोशनी में चमकता है तो अपनी मिसाल खुद बन जाता है। एंड द नेक्स्ट इज हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। ये इराक में वाक़ है, ये 1600 BC में बनाया गया था। इसको बादशाह निबोनजन नेजर ने अपनी वाइफ अमाइटिस के लिए बनाया था। अब बेशक ये एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन उस टाइम ये बहुत ही मशहूर था। एंड द नेक्स्ट इज द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, यानी कि अहराम मिस्र। ये अपने नाम से जाहिर है कि ये मिस्र में वाकया है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा 2550 से 2490 BC के दरमियान बनाया गया। ये रोमन एम्पायर्स मतलब फिरौन के दौर का बना हुआ है। ये 3 पिरामिड्स हैं। इसकी चौड़ाई जो है 230.4 मीटर है, और इसकी हाइट जो है 146.5 मीटर है, और ये इसलिए बनाया गया ताकि जब फिरौन मर जाएगा तो उसको तो उसके एज अ मज़ार इसको सर्व किया जाएगा। तो ये है पिरामिड ऑफ गीज़ा। एंड द नेक्स्ट इज टेंपल ऑफ आर्टेमिस एफेसस। ये तुर्की में वाक़ है, और इसको जो है 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के एजाज से नवाजा गया है। ये एक सैलाब की नज़रों के तबाह हो गया था। एंड द नेक्स्ट इज द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ये इजिप्ट यानी मिस्र में वाक़ है। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है 280 से लेके 247 BC में मुकम्मल हुई, और इसकी हाइट जो है 450 फुट है, और एक जलजले की वजह से ये बिखर गया था। लाइट हाउस का एक्चुअल पर्पस जो है वो समंदर में मौजूद जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड इन द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।